मनोरंजक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुत्ता और किसान। तो चलिए अब मजेदार कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला अपने माता पिता के साथ जंगल के पास रहता था। एक दिन उसके माता पिता खाना ढूंढने के लिए निकले। शाम होने लगी लेकिन वे वापस नहीं आए। तब पिल्ले को डर लगने लगा कि क्या हुआ होगा। तो बाद में पता चला कि किसी गाड़ी से टकराकर उन दोनों की मृत्यु हो गई है। पिल्ला बहुत रोया और दुखी हुआ। उसे अब मम्मी पापा की याद आ रही थी। रोता रोता वह जंगल की ओर चल पड़ा। तभी उसे एक हिरण मिला। हिरण को उसका दुख देखकर उस पर दया आ गई और वह पिल्ले को अपने साथ ले गई। रात हुई तो उसने पिल्ले को सोने के लिए जगह दी, लेकिन पिल्ले को नींद नहीं आ रही थी। हर छोटी सी आवाज़ पर वह बाहर निकलकर भौंकने लगता। हिरण को इस बात पर गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तुम ऐसे ही बार बार बाहर जाकर भौंकोगे तो शेर को पता हमारे बारे में पता चल जाएगा। वह आकर हम दोनों को मार देगा। इस बात पर पिल्ला चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि हिरण शेर से डरता है, इसलिए मुझे शेर के ही पास रहना चाहिए, जिससे मेरी सुरक्षा बढ़ेगी। और अगले ही दिन वह शेर के पास पहुंचा। शेर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने शेर से प्रार्थना की कि वह उसे अपने साथ रहने दे, वह अकेले रहना नहीं चाहता। शेर को पिल्ले पर दया आ गई और वह राजी हो गया। रात को फिर वही हुआ। पिल्ला बार बार भौंकने लगता था। शेर को भी गुस्सा आ गया। वह जोर से दहाड़ कर बोला, अगर तुम इस तरह भौंकोगे तो इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। वह चुपके से आकर हम दोनों को पकड़ डीएच मार देंगे। पिल्ले को बहुत आश्चर्य हुआ कि शेर भी किसी से डरता है, लेकिन उसने तय किया कि वह अगले ही दिन इंसानों के पास जाएगा। सुबह होते ही वह शहर की ओर चल पड़ा। उसे जो पहला किसान मिला वह उससे बोला, मैं अकेला हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रहने देंगे? मनुष्य ने जब उसके माता पिता के बारे में सुना तो उसे पिल्ले पर दया आ गई। वह पिल्ले को अपने घर ले गया। रात हुई और पिल्ला अपनी आदत के अनुसार बाहर जाकर भौंकने लगा, लेकिन मनुष्य नाराज नहीं हुआ बल्कि वह बहुत खुश हुआ। वह अब निश्चिंत था कि यदि कोई चोर उसके घर में आएगा तो कुत्ते से डरकर भाग जाएगा, साथ ही कुछ गड्ढा होगी तो कुत्ता भौंकेगा और उसकी नींद भी खुल जाएगी। तो इस तरह किसान और कुत्ता दोस्त बन गए और यह दोस्ती आज भी वैसी ही चल रही है। बच्चों, जंगल बुक के कुत्ता और किसान वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी मनोरंजक कहानी आप तक पहुंचती रहें।